हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि मालिक कौन है, कैसे बनता है शेयर, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर शुरू से करने से पहले हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। कंपनी जिस रकम से बनता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने शेयर कैपिटल और शेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। ये वीडियो में मैं शेयर होल्डर और ओनर कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल सिर्फ इतना समझो, जो रकम से कंपनी शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यदि 1 लाख रुपया है, जिस रकम से कंपनी शुरू हुआ उसको छोटे छोटे भाग में बांटा गया, हर एक भाग को बोलेंगे शेयर्स। अच्छा, जो आदमी शेयर खरीदता है उसको बोलेंगे शेयर होल्डर। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या शेयर होल्डर ओनर है कंपनी का? द आंसर इज ही इज रिगार्डेड एज द पार्ट ओनर, नॉट फुल ओनर। सो जो आदमी कंपनी रकम जो है 1 लाख रुपया, वो शेयर कैपिटल हुआ। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे भाग किए, हर एक भाग को बोलेंगे शेयर्स। जो आदमी ने ये शेयर्स खरीदा उसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स या तो मेंबर्स। सो शेयर होल्डर कंपनी के मालिक माने जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि वो पूरे मालिक नहीं, पार्ट ओनर्स माने जाते हैं, ठीक है। और एक सवाल अक्सर आपको आता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जब भी आपके नाम, जबकि ये शब्द नाम आपके मन में आता है तो आप बोलते हैं कि मुकेश अंबानी मालिक है, सब लोग ये बोलते हैं। लेकिन ये पूरे तरीके से सही नहीं है, इसका मैं अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। नाउ सबसे पहले जो आदमी शेयर खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा या मेंबर कहलाएगा। वो कंपनी का, टेक्निकल भाषा में बोलू, डिटेल बोलू तो उसको पार्ट ओनर बोलेंगे। याद रखो, आपने शेयर खरीदा सपोजिटली रिलायंस का, तो आप पार्ट ओनर बन गए ना। आपने, जैसे कि आपका घर है, आप डाइनिंग टेबल में खाना खाओगे, जब आपकी मर्जी खाना खाओगे। तो रिलायंस के जब आप मालिक हो तो आप रिलायंस के पार्ट ओनर माने जाओगे। क्यों पार्ट ओनर? मतलब कि आप रिलायंस के अपने प्राइवेट जेट होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे। आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा तो आप रिलायंस के मालिक हुए एक शेयर जितना। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉक्स में बना रहा हूं, ये रिलायंस है और आपने एक शेयर, जैसे कि एक ईंट खरीदा तो आप मालिक हुए रिलायंस के उस एक ईंट में। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है या एक ऑफिस है, उस ऑफिस में 1000 ईंट है, बराबर है। 1000 ईंट से एक घर बना, आपने 2 ईंट खरीदे, 2 ब्रिक्स बोलेंगे, तो आप मालिक हुए उस घर के 2 ब्रिक्स जितना। समझ में आया? तो आपने एक शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के मालिक है 1 ईंट जितना। समझ में आया? एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट है, आपने एक फ्लैट खरीदा तो आप बिल्डिंग के मालिक नहीं हुए, बिल्डिंग का एक फ्लैट के मालिक हुए, पूरे बिल्डिंग के मालिक नहीं हुए। सो अच्छा, आप पार्ट ओनर क्यों बोलते हैं? रिलायंस के जो प्राइवेट जेट है या हेलीकॉप्टर्स है या जो कार्स है, वो रिलायंस के अपने हैं। भले ही आप मालिक हुए, आप रिलायंस के हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज कर सकते, सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए यूज किया जा सकता है। सो पार्ट ओनर इसलिए बोलते हैं कि आप भले रिलायंस के मालिक है, आप रिलायंस के संपत्ति को पर्सनल यूज के तौर पर नहीं यूज कर सकते। आपका अपना खुद का घर है तो आप कभी भी घर का सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी चाहो। लेकिन आप कंपनी के मालिक हो तो आप कंपनी के शेयर्स के मालिक हो, और जितने शेयर्स है 100 में से 1 शेयर, तो आप एक शेयर के मालिक हो। लेकिन आप भले रिलायंस के मालिक हो तो आप पर्सनल रिलायंस का संपत्ति खुद के यूज के लिए नहीं कर सकते। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी रिलायंस, कोई भी कंपनी का आदमी शेयर होल्डर बनता है तो उसको पार्ट ओनर बोलते हैं, फुल ओनर नहीं बोलते। समझ में आया? पार्ट ओनर क्यों? आप संपत्ति को कंपनी का नहीं यूज कर सकते। दूसरा सवाल, क्या मुकेश अंबानी रिलायंस का पूरा मालिक है? द आंसर इज नो। लेट अस टेक द एग्जांपल, ये रिलायंस का
शेयर कैपिटल हुआ, सपोजिटली रिलायंस के 100 शेयर्स है, तो मुकेश अंबानी उसका 50% शेयर्स करीबन ओन करता है, 50 शेयर्स। इसका मतलब मुकेश अंबानी रिलायंस का मालिक है टू द एक्सटेंट ऑफ 50 शेयर्स, मतलब आधा कंपनी का ही मालिक है, बाकी आधे में कुछ पब्लिक के पास है, कुछ फॉरेन 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 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो फॉरेन के लोग खरीदते हैं उनके पास है, जैसे कुछ LIC के पास होगा, ऐसे अलग अलग लोग के पास शेयर्स है। सो मुकेश अंबानी सिर्फ आधे रिलायंस का मालिक है, क्योंकि उनके पास रिलायंस के आधे ही शेयर्स है, बाकी आधे शेयर्स में कुछ गवर्नमेंट तो नहीं, बैंक्स ओन करते हैं, कुछ पब्लिक ओन करते हैं, कुछ फॉरेन के लोग ओन करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड ओन करते हैं। सो ऐसे अलग अलग लोग बाकी 50% के मालिक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स कैसे बनते हैं। आपने रिलायंस का शेयर्स खरीदा तो आप मालिक बन जाओगे, लेकिन आपको पार्ट ओनर कहला जाएगा, क्योंकि रिलायंस का संपत्ति आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते। आप कितने मालिक हो, जैसे रिलायंस का 1,00,000 रुपए में आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा, तो आप रिलायंस का सिर्फ 10 रुपए के ही मालिक हो। जितना संपत्ति, यदि 1,000 फ्लैट है, उसमें से आपने एक फ्लैट खरीदा, एक बिल्डिंग में 1,000 फ्लैट है, तो आप सिर्फ एक उस बिल्डिंग के एक फ्लैट के मालिक हो, आप बिल्डिंग के मालिक नहीं हुए। आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा तो आप रिलायंस के मालिक हुए टू द एक्सटेंट ऑफ 1 शेयर, नॉट द होल ऑफ रिलायंस। आई होप सबको ये समझ में आया कि शेयर होल्डर क्या होता है, मेंबर क्या होता है, ओनर क्या होता है। सो रिलायंस, कोई भी कंपनी के ओनर उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, और जितना आपने शेयर खरीदा उतने ही आप ओनर बनेंगे, पूरे कंपनी के मालिक नहीं बनेंगे। और यदि आप कंपनी के भले ही एक शेयर खरीदा आपने, तो आप एक शेयर के शेयर होल्डर बनेंगे, और आप उस कंपनी का संपत्ति पर्सनल यूज के लिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी कंपनी के ओनर्स को पार्ट ओनर्स बोलते हैं। आपने एक ओनर एक शेयर खरीदा तो भी आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 1 शेयर। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक्स्ट्रा वीडियोस, ज्यादा वीडियोस देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।